इसलिए एक दो प्रश्न और उत्तर श्रवण कर लेते हैं। दिस बुक व्हाटएवर गुरुदेव इज रेफरिंग टुडे, दिस इज द क्वेश्चन एंड आंसर बिटवीन द प्रभुपाद। ओके, सो ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन द भक्ति गुरुदेव इज। हरे कृष्ण। इसलिए यहाँ पर किसने प्रभुपाद को प्रश्न किया है, कृष्ण किसकी प्रार्थना सुनते हैं? जैसे हम लोग भगवान को प्रार्थना करते रहे, ठाकुर जी ये कर दो, ये दो, ये दो, लेकिन हम तो बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन ठाकुर जी पर हमारा प्रार्थना क्यों नहीं सुनते? तब यहाँ पर प्रश्न होता है, ठाकुर जी किसकी प्रार्थना सुनते हैं? कृष्ण प्रभुपाद आज द फर्स्ट क्वेश्चन, टू हूम द गॉड लिसन्स, which prayer God listens, how he listens and whose prayer he listens, because we ask very many things from God. इसलिए यहाँ पर उत्तर देते हैं, कहते हैं कृष्णा आमी अपना निकट थे कि आमार निजे कौन सुख चाहिए ना। इसलिए जो लोग चाहते हैं भगवान से, ठाकुर जी आपसे हम कुछ भी अपना जो सुख है, मैं आपसे अपना सुख कुछ भी नहीं चाहता हूँ। जैसे हम लोग क्या करते हैं, भगवान के पास में जाते हैं, कहते ना ठाकुर जी सारे दुख ठाकुर को चढ़ाते हैं, और जैसे 10 रुपया की कोई चीज़ चढ़ाया था, 10 रुपया के डॉलर की, 5 रुपया के डॉलर की, फिर वहाँ 5 मिलियन का एक पर्ची लग गया। ठाकुर जी इसीलिए आपके पास में हम 5 डॉलर ने 10 डॉलर चढ़ाते हैं, हम 10 मिलियन की हमारी इच्छा पूरी कर दो, हमारे बेटा बेटियों की शादी करा दो, नौकरी लगा दो, मकान बना दो, दुकान बना दो, गाड़ी दे दो, बाड़ी दे दो। हाँ ठाकुर जी को हम बहुत बहुत कुछ ठाकुर जी को प्रार्थना तो प्रार्थना, लेकिन यहाँ पर कहते हैं भगवान फिर किसकी प्रार्थना सुनते हैं? फिर भगवान उसकी प्रार्थना सुनते हैं ठाकुर जी से जो कुछ भी नहीं चाहते हमारे लिए। जो कुछ चाहते ठाकुर जी, हम तुम्हारी सेवा कैसे कर पाए ठाकुर जी, हम तुम्हारी सेवा कैसे कर पाए? इसलिए महाप्रभु कहते हैं न धनम न जनम न सुंदरी कविता बाली सता है, मम जन्मन जन्मन शरीर भवता भक्ति। अब से धन जान पुत्र परिवार हम कुछ भी नहीं चाहते, हम एक ही चाहते हैं जैसे जन्म जन्मांतर में तुम्हारी सेवा कर सके। मैं कभी भी अपना सुख जो कभी भगवान से नहीं चाहते, इसलिए भगवान उसकी प्रार्थना करते हैं। We ask God to fulfill our desires, all our desires, okay? For our children, for our wife, for our treasure, for our friends. We go there, we offer in small things and we want so many things from God, and we want to give away all our griefs to the God and want all the pleasures from the God. This is not good. God listens to them who goes to the God without any kind of desire, महाप्रभु टेलिंग न धनम ओ लॉर्ड आई डोंट वांट फ्रॉम यू एनी काइंड ऑफ वेल्थ, न जनम नॉट एनी फैमिली, न सुंदरी नॉट वांट ब्यूटिफुल वाइफ, कविता आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ नॉलेज, only on birth and birth only I want your service, you know, I don't want anything else, you know, but what are I doing? If it 10 dollar you offering to Krishna, then you are make one a parchi, kya bolte hain, list, you are make one at least maybe 10 million, 10 million, oh Lord, so I am offering 10 dollars. You can come to our house, make my house very nicely and get very good job and make big cars, get, you know, there are so many material desire you have. Well, no. He, so Lord did not listen to their prayer, you know. If then Lord listening to our prayer when you are without any kind of material desire, when some do pray to Krishna. इसलिए यहाँ पर कहते हैं अपना जा इच्छा ताही हमारा सिरोधार जा, यहाँ पर कहते हैं भक्तों की एक भावना कैसे होनी चाहिए, बोले ठाकुर जी तुम्हारी जो इच्छा है तुम्हारी इच्छा में ही अपना इच्छा है, हैं ऐसे नहीं ठाकुर कुछ कुछ करे हम अपने आप कुछ करने लग जाए, बोले नहीं ठाकुर को इच्छा में अपना इच्छा को मिला दो, ठाकुर तुम जो जैसे तुम रखने का चाहो तुम वैसे मेरे को रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे मैं तुम्हारी सेवा हर समय कर पाऊँ मेरी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए,
আমার কষ্ট হয় তাই আমার সুখ। আগে উসমে কষ্ট হতো না, কষ্ট হতো আমার সুখ, তুমি ইচ্ছা নেই আমার ইচ্ছা হিসেবে। এক গুরুজি কথা শোনাতে থে, বোলে এক সময় কুছ ব্যক্তি নাও মে বেঠ করকে নদী পার হো রে থে, নদী পার হো রে থে, নদী বড়ি লম্বি চৌড়ি থি, বীচ দরিয়া মে নদী পৌঁছ দিয়ে না, বড়ি জোর সে আঁধি তুফান আ গে, পানি ছলক ছলক করকে গির রা থা নাও মে, সব তো ডর রে থে সব নাও ডুব যায়গি, বীচ দরিয়া মে আর ইতনা আঁধি তুফান আ গে। লেকিন ওহাঁ পর কে সাধু থা না, দুনিয়া মে জেসে পানি গির রা হে, জগ সে পানি নিকালনি চাহিয়ে, লেকিন ও ক্যা কর রা থা, উল্টা নাও মে পানি ভর রা থা। কিসে বোলা তো ক্যা পাগল হো গিয়া, বেশ নাও ডুবনে বালে আর তো পানি কাহা গির রা হে, তো উল্টা পানি নিকাল রে, বোলে ভগবান কি ইচ্ছা মে মে ইচ্ছা মিলা রা হুঁ, ভগবান কি ইচ্ছা মে, হম কে না উসকো ইচ্ছা কে বগর কি পতা ভি নেই মিলতা হে, ইসলিয়ে জো পানি ছলক ছলক গির রে, উসকো ভি তো কুছ ইচ্ছা হোগা, তবে তো হো রা হে। লেকিন জব থোড়ি দূর গয়ে না, আঁধি তুফান বন্ধ হো গিয়া, ইতনে মে পানি ফেঁকনে লগ গিয়া, বোলে দেখো কেসে পাগল হে, জব ফেঁকনে কা থা, ভর রা থা, ভর কে সব ফেঁক রা হে, বোলে তো ক্যা ইচ্ছা কর রে, বোলে ঠাকুর কো ইচ্ছা মে ইচ্ছা মিলা রা হো না, জো কুছ হোতা হে উসকা ইচ্ছা করতে, কুছ হো হি নেই সকতে, হো হি নেই সকতা, আঁধি তুফান আয়া তো উসকি ইচ্ছা হে, পানি গির রা থা উসকো ইচ্ছা, ইসলিয়ে মে পানি ভর রা থা, ঠাকুর নে দেখা নাও ডুবনে বালা নেই হে, ইসলিয়ে আঁধি তুফান বন্ধ হো গিয়া, উসকি ইচ্ছা সে পানি মে ফেঁক রা হে। ইসলিয়ে ইয়াহাঁ পর কে থে ঠাকুর জি, তুমি জো কিছু করবে তুমি ইচ্ছা মে হমেশা মিলা দেন, তুমি সুখ মে সুখী রেগে আর তুমি দুঃখ মে দুঃখী রেগে। গুরুদেব ইজ টেলিং ভেরি ভেরি গুড স্টোরি। ওয়ান্স অপন এ টাইম দ্য পিপল ওয়ার ক্রসিং এ রিভার ইন এ বোট, ইন দ্য মিডল অফ দ্য রিভার দেয়ার ওয়াজ এ ভেরি স্টর্ম, হিউজ স্টর্ম, দেয়ার ওয়ার ভেরি মেনি পিপল, দে অল ওয়ার অ্যাফ্রেড, নাও উই হ্যাভ টু সিঙ্ক টুডে, উই ক্যান নট, বাট ওয়ান অফ দ্য সাধু ওয়াজ দেয়ার, ইউ নো পিপল ওয়ার এম্পটিং দ্য বোট, taking the water out from the boat, but that sadhu, he was taking water from outside in the boat. Everybody was telling, are you crazy, are you crazy? No, I am not crazy. If my God wants me to sink, then I am just fulfilling his desire, because he wants me to sink. But after some time, the storm went away, passed away, and they came, they crossed the river. When they reached that place, then he started to empty and said, God wants us to like this. So I mean, whatever we should do, whatever God wants from us, and we should leave everything to the God, because he knows what is good and what is bad for us. Sometimes some difficulties, some troubles come in our life, but they are for our betterment, not for our bad. So God's desire is supreme. इसलिए कहते हैं मंगल में अपना व्यवस्था को ना अमंगल ना आए, इसलिए हम कहते ना ठाकुर जी कहते ना मंगल भवना अमंगल हरि, ভগবান যো কুছ করতে মঙ্গল মঙ্গল কে লিয়ে করতে হ্যাঁ, কবি আমার অমঙ্গল করি নেই সকতে, মঙ্গলময় ভগবান যো কুছ করতে আপনা মঙ্গল কে লিয়ে করতে, ইসলিয়ে কবি আমার অমঙ্গল করি নেই সকতে, আমার অন্তর মে ভাবনা রাখি চাই। ইসলিয়ে স্টোরি হ্যাঁ, এক রাজা এক মন্ত্রী ও জঙ্গল মে গে থে শিকার খেলতে খেলতে, রাজা কা কনিষ্ঠ অঙ্গুল কট গিয়া, রাজা বোলা মহামন্ত্রী মেরা অঙ্গুল হি কট গিয়া, বোলা দেখো ভগবান মঙ্গলময় ভগবান কবি অমঙ্গল করি নেই সকতে, জো কুছ করতে আছে কে লিয়ে, বোলে ক্যা জিন্দগি ভর কে লিয়ে মেরা অঙ্গুল কট গিয়া, তো বোলতে ভগবান কি ইচ্ছা কে বগর কুছ নেই হোতা হে, আর জো করতে আছে কে লিয়ে করতে হে। লেকিন রাজ মন্ত্রী থা ভক্ত হে, ও হর বাত মে বোলতা থা ঠাকুর কবি অমঙ্গল করি নেই সকতে, জো করতে আছে কে লিয়ে, বোলে ভগবান তো কবি মঙ্গল অমঙ্গল করি নেই সকতে, তো মঙ্গল কে লিয়ে সব কুছ, বোলে সব কুছ উনকা মঙ্গল কে লিয়ে, বোলে আর ক্যা ও মঙ্গলময় হে, ও কবি অমঙ্গল করি নেই সকতে, বোলে তেরা মঙ্গল করাতা হুঁ, উননে ক্যা ক্যা কে সুখা কুয়া থা অন্ধকার ধরতা মার দে দিয়া থা, বোলে ইসমে পড়ে রহো, জো কুছ করতে ঠাকুর জি করতে না, সব মঙ্গলময় পড়ে রহো, হম দেখেঙ্গে ভগবান তুমারে কেসে মঙ্গল করতে হে, উসকো ছোড় করকে ও আ গে, রাজা আকেলে আ রহে থে, ইতনে মে এক ডাকু কা সরদার থা, সরদার নে কিসি মাতা দেবী কো পাশ মে মনোতি কিয়া, মনোতি রাখা থা উনকে পাশ, মনোতি কিয়া থা, আর উসকো ঘর মে গেছে যে বেটা হো গিয়া, জো ডাকু কা সরদার থা, বোলে পকড় করে লে আও, জো জঙ্গল মে মিলে, মে মাতা জি মনোতি কিয়া থা, ও ঘুম ঘুম রাজা মিলা, বড়ি সুন্দর হিল ডোর বড়া সুন্দর,
अरे मैया तो बड़ी खुश हो जाएगी, हैं बड़े सुंदर शरीर है, उसको पकड़ करके ले आए राजा। बोले ये भगवान कहाँ किसके चक्कर में पड़ गया, अगर मंत्री रहते तो थोड़ा युद्ध कर लेते हैं, दोनों थे एक अकेला हूँ और इतना सारे डाकू है, अब क्या होगा हैं, इतनी बड़ी चिंता में बढ़ गई और उसको पकड़ कर ले गए। पकड़ कर ले करके तो उसको स्नान पान कराया, अच्छे अच्छे कपड़ा पहनाया और माता के सामने जब बलि चढ़ाने जा रहे थे ना, उठाया तलवार काटने के लिए, लेकिन नियम है माता जी को वही चीज चढ़ सकती है जिसका शरीर पूरा निखुद है, पूरा है। अगर कोई अगर पूरा शरीर नहीं हो ना उसको चढ़ा नहीं सकते, लेकिन हठात उसका नजर पड़ा राजा का जो कनिष्ठ अंगुल कटा हुआ, ये अंगुल से कटी हुई, और जो कटा हुआ शरीर देवी को चढ़ नहीं सकती, अमंगल है। उठाया तो तलवार, राजा छटपट कर रहा था, मैं तो गया जान से, लेकिन जब देखा खून टपक रहे हैं वो नीचे तलवार उतारते हैं, बोले नहीं ये माता जी की सेवा में नहीं चढ़ सकते, क्यों उसका अंगुल कटा हुआ, छोड़ दो उसको। राजा देखा मंत्री जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे, भगवान अमंगल मंगल भगवान अमंगल हरी, कभी अमंगल कर ही नहीं सकते, अगर मेरा अंगुल कटा हुआ नहीं हुआ तो पूरा पूरा चढ़ जाता। बोली वो वापस आया मंत्री को कुएं से निकाला, बोले तू सही बता रहा, भगवान कभी अमंगल नहीं कर सकते, क्या क्या हुआ सारी बात बता दी। राजा ने पूछा मंत्री से, बोले देख मैं तो समझ गया ठाकुर मेरा मंगल किया है, अमंगल हरी मंगल किया है, लेकिन मेरे को और एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या, बोले तेरे को तब से अभी तक जी अंधकार कुआ में डाल कर रखा, तेरा क्या मंगल हुआ है, तू तो अभी तक पड़ा रहा अंधकार कुआ में। मंत्री ने कहा महाराज जी कल्याण तो मेरा ही हुआ, आपका थोड़ी हुआ है, बोले कैसे, बोले अगर आप कुआ में नहीं डालते ना, हम दोनों जानते दोनों जाते थे तुम्हारे अंगुल तो कटा हुआ, तेरे तो छोड़ देते और मेरे को पूरा पूरा गली चढ़ा देते। तब राजा को विश्वास हुआ, बोला हाँ सचमुच से भगवान मंगलम है, अमंगल करेंगे। There is a very nice story Gurudev is telling. Once upon a time, a king was going with minister for in a jungle, and he was lost in the jungle. Then while he was fighting with a lion, his finger was cut. The same time, a chief of the robbers and dacoits, okay, he has asked from the god, if I get a son, I will offer the Narvali. You know the Narvali? I will offer it in human to you, to Devi, in those days, you know, like the Bali of sacrifice and this goat, the same of the human. Sacrifice. So he was, he sold some of his decorates. Go and find out a good human being to whom I can sacrifice in front of the goddess. So they went in the jungle, but at the same time, you know, when his finger was cut, the minister, he told, oh, it is very good, whatever God has done, it has been very good. And the king was very upset, what are you telling to me? My finger is cut and you say God has done, yes, I have said, it's okay, let me give you punishment. And the king, as a punishment, he threw that minister into a well, in a deep dark well, he was there. And king was just taking rest, the same time was the coins. They went there and they found this king and they took him to the chief of the decoy. Yes, sir, we have brought a very nice human being. The king was very handsome, very tall, very good. He said, it's okay. Let us offer this to goddess. But when he wants to offer him to cut his neck by his shirt, he saw that his finger is cut. You know, we cannot offer anything which is not the complete. So because of his finger was cut, he was left and he was not there. Leave him. This is not good for offer. Okay. Then king came back. Oh, really? God, whatever God does, he does for good. He came. Then he was repenting on his mistake that what he did to the minister. He went there. He took the minister out from did well. Then asked me, said, it's okay. For me, it was good. My finger was cut. God did good. But what God did good for you? I threw into the well. This was also good. If you have not thrown me into the well, they took me and I was a complete. They could sacrifice to me in place of you. So this is the firm belief in the God, that whatever God does, he does for our good and for our well-being. So we should never leave our trust and faith in God. पहले यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे को आंतरिक श्रद्धा विशिष्ट है, लाइक कृष्ण तार सेवा कर निवेदन ग्रहण अथवा ग्रहण करना। अगर किसका जीवन में ऐसे अगर भावना किसका जीवन में आ जाए, नहीं भगवान क्यों कुछ करते हैं,
अच्छे के लिए करते हैं, कभी हमारा बुरा कर ही नहीं सकते। अगर जिसकी भाव ऐसे भाव अगर हो, हृदय से अगर ऐसे भाव हो, तो ठाकुर जी को वो जो कुछ प्रार्थना करते हैं उसकी प्रार्थना को कर दिया। So if we have those kind of faith and trust in the God, then whatever we desire in our heart, God fulfills. Without asking from the God, He fulfills. But we must have the ultimate trust and faith in God always. Yes, what happened in our life, we thinking everything happened for desire for Lord, you know. So if somebody like this, then Krishna listening his prayer. So यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न है, कहते वास्तव रूप में शिष्य कौन है। जैसे वास्तव रूप में शिष्य है कौन, किसको वास्तव रूप में शिष्य ग्रहण करते। ऐसे नहीं हम गुरुदेव से बोले मंत्र ले लिया, तो हम शिष्य बन गए, बोले नहीं। इसलिए किसी ने प्रश्न किया गुरु जी प्रभुपाद वास्तव रूप में शिष्य कौन, तो उसका उत्तर देते हैं प्रभुपाद। This from the Gurudev and just say, oh, I have become the disciple. Who is the true disciple? So he is going to define the quality and property of the true disciple. इसलिए यहाँ पर कहते हैं कद भगवान कृष्णा हमारे मंगल के लिए जो कुछ भार दे पास बना रहे। कद भगवान हमारे मंगल के लिए कद सारे भार जिसको ऊपर में अर्पण किया है, गुरुदेव को नहीं, बोले जब जो हमें भक्ति मार्ग में रास्ता दिखाए, भक्ति मार्ग में हमें जो रास्ता दिखाए, इसलिए कहते हैं जिसको ऊपर में हमारे सब कुछ दायित्व ठाकुर ने जिसको ऊपर में अर्पण किया है, किसको ऊपर अर्पण किया है, कहते श्री गुरु जी को ऊपर अर्पण किया है। कहते ऐसे जो गुरुपाद पद में है, हाँ, जिसको चरण में अगर हम संपूर्ण रूप में उनके चरण में हम शरणागत हो सकते हैं तब वास्तव रूप में तभी हम शिष्य कहले कहता हम योग्यता बनेंगे, नहीं तो योग्यता नहीं बनेंगे। अगर गुरु जी जैसे चाहते हैं, अगर वैसे नहीं करके गुरु जी अगर कुछ एक बोले हम दूसरे रास्ता पर चले, नहीं तो गुरु जी जैसे दे गुरु शिष्य ऐसे करो, बोले गुरुदेव हमारे ऐसे कोई इच्छा नहीं जाने का, हमारी ऐसे कोई इच्छा नहीं, हमारी इच्छा और ऐसे नहीं। कहते गुरुदेव जो कुछ बोलते हैं हमारे कल्याण के लिए बोलते हैं, ये सोच कर गुरु जी के आदेश को जो संपूर्ण रूप में अपना जीवन में उतारता है, कहते वो वास्तव रूप में शिष्य राधे राधे। प्रभुपाद डिस्क्राइब्स हु इज अ ट्रू डिसिपल। ट्रू डिसिपल इज वन हु सरेंडर्स हिमसेल्फ इन द गुरुस लोटस फीट एंड व्हाटएवर इंस्ट्रक्शन, व्हाटएवर एडवाइस, व्हाटएवर गाइडेंस Guru provides to you, you do it without asking any question. So unconditional services of the Guru and his preaching who follows is the true disciple. ले कहते हैं गुरुदेव को क्या समझनी चाहिए, गुरुदेव कौन है। कहते गुरुदेव हाँ गुरुदेव हमारे मंगल के लिए जो व्यवस्था करते हैं, हमारे मंगल के लिए जो कुछ करते हैं उसको अपना सर को नीचे करके नतमस्तक मतलब सर को नीचे ग्रहण करते हुए उसको गुरु जी के आदेश को हमें पालना करना चाहिए। कहती है वास्तव रूप में प्रकृत शिष्य का ये कर्तव्य है, तभी जीव का मंगल होगा, नहीं तो जीव का मंगल नहीं हो सकता। सो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द ट्रू डिसिपल दैट व्हाटएवर गिव्स हिम गाइडेंस ही फॉलोज इट And if he follows it, Guru always take care of the disciple and always think about the welfare of yourself. But you have to have ultimate faith in Guru and seek his guidance unconditionally. He is a true disciple. इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कभी हमको भोगी होने हम क्या? यहाँ पर कहते हैं हमें भोगी नहीं होनी चाहिए, भोगी मतलब हर समय अपना सुख सोचते हैं, अपना सुख कैसे हो, अपना सुख नहीं, अपना सुख को हमें त्याग देनी चाहिए। देर तेरे क्या करनी चाहिए, गुरुदेव का सुख में कैसे सुख हो, गुरुदेव कैसे प्रसन्न होते हैं। कहते गुरुदेव का प्रसन्नता में अपना प्रसन्नता होनी चाहिए, इसलिए हम क्या करते अपने इंद्रियों के द्वारा क्या करते विषय भोग करने के लिए
इंद्रिय को उधर विषय भोग करना चाहते हैं, कहते नहीं, विषय भोग नहीं करके गुरु जी की इच्छा में इच्छा करके हर समय गुरु जी का अनुगत्य में हर समय ठाकुर जी का सेवा करनी चाहिए। अपना सुख में सुख नहीं होकर गुरु जी का सुख, गुरु जी क्या चाहते, ठाकुर का सेवा करो, भगवान की भक्ति करो, गुरु तो यही चाहते ना। गुरु तो ये नहीं चाहते मेरा ही सेवा करो, गुरु चाहते ठाकुर का सेवा करो। इसलिए जो गुरु जी के अनुगत्य में ठाकुर जी की सेवा करते हैं अपना सारे सुख को छोड़कर वो वास्तव रूप में शिष्य है। Who listens to the Gurudev and whatever Guru, because Guru never wants anything for himself. He always wants you to serve the God, but to serve the God in the guidance of the your Gurudev. So if you serve the God in the guidance of your Gurudev without anything for yourself, whatever your desires, surrender, leave all those desires for the goodness of your body, mind, all these indriyas. So for all the desires of indriya, you have to leave and always think about the Gurudev seva and the God seva. He is the true disciple. इसलिए कहते हैं जो वास्तव में शिष्य है, हैं, जो कुछ वो दर्शन करता है, वो क्या दर्शन करता है, ये सारे वस्तु गुरु सेवा की वस्तु, ये सब कुछ वस्तु गुरु सेवा के लिए ही सारे वस्तु है, हैं? गुरु सेवा के लिए मतलब क्या है, गुरु सेवा के लिए कुछ मतलब है सब कृष्ण सेवा के लिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए सब कुछ है। वास्तव रूप में गुरु कौन है, कोई होता है ना, बोले भगवान भगवान कुछ नहीं, सब कुछ गुरु है, भगवान भगवान नहीं, ये ऐसे गुरु नहीं है। कुछ हमारे भारत में संप्रदाय में ऐसे है, भगवान भगवान कुछ नहीं, गुरु ही सब कुछ है, भगवान की सेवा कुछ नहीं, बोले नहीं, कहते ये ठीक नहीं। गुरु किसको कहते हैं, जैसे बिचौलिया होता है ना, लड़का लड़की को बीच में संबंध स्थापन करता है, गुरु जी क्या करता है, जीव को साथ में परमात्मा के ठाकुर जी को संबंध स्थापन श्री गुरुदेव कर देते हैं, ये गुरु जी का काम। जैसे नारद जी उन्होंने क्या किया ध्रुव जी को, क्या अपना सेवा के लिए बताया, बोले ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जैसे प्रहलाद महाराज क्या, जैसे वाल्मीकि, नारद बोले वाल्मीकि मेरा नाम लो, बोले भगवान राम का नाम, भगवान के नाम। इसलिए गुरु सेवा वस्तु मतलब सब चीज में गुरु सेवा दर्शन करना मतलब हर चीज ठाकुर जी की सेवा के लिए ही आती है, हमारी भोग के लिए नहीं। इसलिए गुरु सेवा उपकरण भोग, इसलिए अगर सब कुछ गुरु जी इसका मतलब ठाकुर की सेवा, और उसमें अगर अपना कोई भोग बुद्धि होता है वस्तु में, कर तुम्हारे मंगल होने वाले। So whatever you do, whatever action you do, that you have to do for the Guru guidance, for the God, nothing for yourselves. If you do all your actions for the God and for the Guru, your things will all automatically, your welfare will be fulfilled. Like Narada, he gave guidance to Dhruva, Prahlad, Valmiki, but he never said chant my name. Did Narada ever say chant Narada's name? No, he always said chant Ram, chant Krishna, chant Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So who is the Guru? Guru is the one who take you to the shelter of the God. So he is the middleman. He is the agent of the God. He is the agent of the God. So, but if you don't listen to your agent, then the benefit of principle cannot be done. So if you are a principle and he is agent and God is the ultimate where you have to reach, so you have to follow the instruction of Guru unconditionally. Then you will get the God. Guru seva upakaran. कहते ये कहते गुरु सेवा, सब कुछ गुरु सेवा के लिए, अगर उसको प्रति अगर अपना भोग बुद्धि हो गया ना, है अपना अगर भोग बुद्धि हो गया, कहते फिर मंगल नहीं होगा। You should not do anything for yourself. Like you are cooking food, you are not cooking food, you are making prasadam, you are making for bhog, okay, for all God. So whatever you do, yat karoshi yadasnasi yad dhosi yadasyat tad tapasyasi kaunteya tat kurusvadapanam. In whatever you do, whatever action you do, you have to do only for God, in the guidance of the Guru. Then if you do in this way, then your seva will be successful. So in theoretically, Guru seva upakarana. So when you looking anything, what do you think? This is the for service of Gurudev. Service of Gurudev meaning, what is the meaning? This is the everything for love. So you did not do to
आई एम द एंजॉय ऑफ एंजॉयर ऑफ एनीथिंग. बोले नो, यू आर नॉट एंजॉय फॉर एनीथिंग. एवरीथिंग एंजॉय फॉर गुरुदेव. गुरुदेव मीन कि एवरीथिंग फॉर कृष्ण सेवा. सो ऑलवेज यू आर लुकिंग टू एवन सर्व टू एनीथिंग. यू आर डोंट थिंक आई एम द एंजॉयर. बोले यू आर नॉट एंजॉयर. एंजॉयर इज द कृष्ण एंड गुरुदेव. सो यू आर इफ सम एंजॉयर गुड एनीथिंग देन टेलिंग दिस इज द ऑफेंस. दिस इज द ऑफेंस. ये सो प्रकृति सर इज द रेयर डिसाइबल. जो वास्तव रूप में जो डिसाइबल है वो मर्म में मतलब हर चीज में ये अनुभूति करता है, है? गुरु कृष्ण सेवा के जीवन में करे. गुरु और कृष्ण सेवा ही अपना जीवन का सर्वस्व. गुरु सेवा कृष्ण सेवा जीवन का सर्वस्व. कहते ये एक वास्तव शिष्य का लक्षण है. True disciple, the main quality of true disciple is whatever he does for the Krishna Seva and Guru Seva. The ultimate aim of the life should be of Guru Seva and Krishna Seva. He is the true disciple. इसलिए कहते शिष्य निज के लघु जानी ले ओ तार लघु दर्शन वा भोग्य दर्शन ना है. कर जो वास्तव रूप में जो शिष्य है, हैं वो अपने आप को छोटा मानता है. हम कहते हैं महाप्रभु कहते दासान दास भविताश में जो हम कौन है भगवान का दासों का दासों का दासों का हम दास. हमारी जो भावना हम भगवान की सेवक का सेवक का सेवक. इसलिए हम तो सोचते हैं भगवान के सेवक का सेवक इससे हम छोट नहीं हो गए. कोई सोचता है अरे हम के हम तो बड़े बनेंगे हम तो प्रभु बनेंगे हम सेवक का सेवक. नहीं बल्कि तुम जितने छोटे मानोगे उतना ही ऊँचा हो तुम्हारे पास उतना ही ऊँचा होगा तुम्हारी उतना ही जगत में तुम्हारी मंगलमय होगा. छोटा मान ले छोटे नहीं हो गया तुम बड़ा हो. ये चीज है. या द सेकंड क्वालिटी ऑफ द डिसिप्लिन टू डिमीन हिमसेल्फ. यू शुड नो दैट यू आर गिवन द लोएस्ट वन. यू आर द सर्वेंट टू सर्वेंट टू सर्वेंट टू सर्वेंट टू सर्वेंट एंड बाय डूइंग दिस थिंग यू आर नॉट गोइंग लोअर. द लो यू गो द हाई यू विल अप इन योर डिवोशन. सो इन फ्रंट ऑफ द गुरु इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड यू थिंक दैट यू आर द लोएस्ट द लास्ट वन. You are the servants, 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 servants. So if you have this kind of emotion, then you will attain the supremacy from God. इसलिए कहते हैं जो वास्तव जो शिष्य है उसके अंदर में ये भावना रहता है गुरु को छोड़ करके ये जगत है अपना बोल करके और कोई नहीं. अगर अपना बोल कर जगत में कोई है कौन है श्री गुरु बात गुरु. अगर निष्कपट रूप में अगर ये बुद्धि हो कहते ये वास्तव रूप में वही शिष्य है. एंड द थर्ड क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन इज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज गुरु. ही डज नॉट सी एनीथिंग बियॉन्ड द गुरु. एवरीथिंग इज अ गुरु एंड व्हाट एवर ही सेज ही ओबेज ही डज दैट इज अल्टीमेट एक्शन शुड बी ऑफ डिसिप्लिन. ही इज द ट्रू डिसिप्लिन हु डज नॉट लुक एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड beyond guru. Yeah. Who is the very intelligent person, you know, that without duplicity, so without duplicity, what is thinking, oh, my life, everything is the guru is the my life and soul. Guru is the my life and soul is the my faith. Gurudev. Pakrita Gurudev, Pratishtha, Jagati, Ishwar Guru. प्रकृत शिष्य गुरुदास अभिमान प्रतिष्ठित एवं गुरुते ईश्वर बुद्धिता गुरुते तार प्रगाढ़ विश्वास सहज बुद्धि. इसलिए यहाँ पर कहते हैं कहते जो वास्तव रूप में शिष्य है वो अपने आप क्या सोचता है हम गुरु दास है. अगर कोई पूछे तुम किसके दास है वो नहीं बोलेगा हम कृष्ण दास है. वो क्या बोलेगा हम गुरु दास है. कहते इसी चीज में वो प्रतिष्ठित रहते हैं और गुरु जी को भगवान से अभिन्न बुद्धि करते हैं. जैसे देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु जी से भगवान में बुद्धि वैसे उसकी गुरु जी के प्रति भी ऐसे बुद्धि उनकी रहती है. Another quality of discipline is who is everybody ask who are you? I am the servant of my guru. He does not see the difference between the God and the guru. So both have equal quality to discipline. जो वास्तव रूप में जो शिष्य है वो गुरु को क्या क्या मानते हैं गुरुदेव. बोले गुरुदेव जो है ना
हमारा सबसे अगर कोई निकटतम व्यक्ति है वो गुरुदेव है, परम आत्मीय हमारे गुरुदेव ही जगत में सबसे बड़े। अगर कोई अपना बोलने वाले हो गुरुदेव ही सबसे हमारा अपना बोलने वाले हैं। और गुरुदेव कौन है? बोले भगवान की अत्यंत अत्यंत ये प्रिय है। और अगर किसी जगत में प्रेम करना है, प्रीति करना है, किसको? गुरुदेव को करनी चाहिए। और गुरुदेव ही हमारे नित्य प्रभु, नित्य सर्व जीवन सर्वस्व बोले जाने जी, हमारे जीवन का जो सब कुछ है कौन है? श्री गुरुपाद पद्म। कहते ऐसे जिसकी भावना है वो वास्तव रूप में वही है, कहते वास्तव रूप में वही शिष्य है। Another quality of discipline is the ultimate relative of a disciple is guru. His father, his brother, his mother, whatever relation you want to establish in this world, the all relation goes to guru. If you have this kind of emotion, then you will attain everything and you are the true disciple. Yeah, telling Guruji the our eternal Prabhu, and Guru is the our, if somebody love a person, only Gurudev. And he is the Gurudev is my life and soul, he is the Gurudev. Yeah. So telling, if this kind of your mood, then telling you are a rare disciple. You know? Then you are the rare disciple. So here is the so many things here. So now sacrifice, Jagya is going there. Now you can already go. Now you can nicely can do, decorate this baby, okay? Now today is so many bar. If I go, Brahman. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare जय जय महाराज की जय।